ॐ जननीं शारदं देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोर्युक्ताः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्कार। आज ठाकुर के आदेश से पुनः आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इन कई दिनों में ऐसा अनुभव किया कि मनुष्य कभी कभी जाने अनजाने जिस किसी भी कारण से इतना विवश हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सुझाई देती, उसे कोई मार्ग ही नहीं मिल पाता। आज दिग्दिगंत में अपने पराए युवा वृद्ध बालक महिलाएं परिस्थितियों के चपेट में शारीरिक और मानसिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ठाकुर मां स्वामी जी के पूरी चरणों पर दंडवत करते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि हे मेरे त्रिदेव, दिग्दिगंत में विश्व में देश के अंदर कोने कोने में जहां कहीं भी कोई शापित तापित मिले, हाथ बढ़ा करके उसका उद्धार कर दे प्रभु, परीक्षा की घड़ी समाप्त कर दे, क्योंकि अब अधिक परीक्षा शायद हमसे झेली नहीं जा रही। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि ठाकुर मां स्वामी जी हर अपने बेगाने के शारीरिक मानसिक सभी कष्टों को तत्काल दूर कर देंगे। पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन पर जाने से पहले थोड़ी सी बात प्राचीन कक्षा के ऊपर कर लो तो थोड़ा सिलसिला साफ हो जाएगा। उस दिन डॉक्टर बच्चन की कविता का अनुशीलन करते समय लगभग सारी बातें मैंने साफ, मैंने बता दिया था मेरा पंचसूत्री फार्मूला। फिर से एक बार मैं बता दूं, हर क्लास में साहित्य पढ़ाने के लिए अपने आदि गुरु से, जो आज नहीं है, फिर से एक बार उनको नमन करता हूं, वही फार्मूला आपके दिमाग में डालते हुए मैं कहना चाहूंगा 17, 18, 19 पर फिर से एक बात चली है। पेज 17, 18, 19 हरिवंश राय के परिचय को रूबरू कर चुके हैं हम, मीनिंग को हमने देख लिया है। एक एक मीनिंग हमारे जेहन में घूम रहा है, उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है। परिचित हो चुके हैं हम हर मीनिंग से। थर्ड क्वेश्चन में मेरे आता है कविता का प्रारूप, विषय वस्तु सब कुछ बता दिया था। कब हुआ था ऐसा वो भी बता दिया था। साथ साथ हमने रेफरेंस क्वेश्चन के तहत 2-3
चार पंक्तियां भी बता दी थी, फिर से एक बार आगाह करना चाहूंगा। पेज नंबर 18, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। शायद इस निशा का सवेरा नहीं होगा, जैसा कि मैं कुछ समय पहले आपसे फिर कहा था कि सभी तापित सापित ऐसा ही सोचते हैं कि अब ये मेरा दुख कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। किंतु बच्चन जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि, और कितना सत्य है कभी वो भी देखिए ना आप, अपने हृदय की बात को उड़ेल के रख दे रहा है कि मुझको तो लग रहा था कि मेरे जिंदगी की ये दिशा कभी प्रभात में बदलेगी ही नहीं। सो यहां क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए रेफरेंस रिगार्डिंग टू दैट। दूसरा, परिस्थितियों की चाबुक जब पड़ती है ना मान्यवर, तो अच्छे अच्छे को होश उड़ जाते हैं, ज्ञानी गुणी सभी मूर्ख बनते नजर आते हैं और आंखों से मोम के सैलाब गिरते हैं। बस लगता है अरे इतने बड़े ज्ञानी होकर के इनकी आंखों से अश्रु गिर रही है। हाँ यही होता है। वहां भी क्वेश्चन नंबर 2 करिए रेफरेंस। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कटकण डॉट 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 लेकर के नेह का आह्वान फिर फिर। रेफरेंस नंबर 2। इसके बाद मैं एक चीज और बताया था, अपनी कक्षाओं में मैं बताया करता हूं मेरे अनुभव से मेरे संपन्नता से, मैं चीख चीख के बोलता हूं कि देखो भैया विपत्ति जब आती है ना किसी के ऊपर में, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बोल करके नहीं आती है। अभी आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक ऐसा झोंका चलेगा कि देखते देखते सुरमों के पर खचे उड़ जाएंगे। मान्यवर हम तो हाड़ और मांस के बने हुए हैं, हम कैसे टिक पाएंगे। तो यहां भी क्वेश्चन नंबर रेफरेंस कॉन्टेस्ट नंबर 3 बना लें आप। उस दिन भी बता दिया था, आज भी बता दे रहा हूं। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोसलों पर क्या नबीती। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं अपनी ही बात को। गम एक होता तो चीर करके दिखा देते हम, क्या कहे हम गम हजारों मिले हैं सिले में। उसके बाद प्रकृति से सीख और उद्देश्य दोनों को निशान लगाने के लिए बोल दिया था, आज भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि वहां आप निशान लगा ले कि प्रकृति से सीख क्या मिल रही है आपको, उद्देश्य क्या मिल रही है, दोनों को फिर से देख ले। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, कंठ में खर पंक्ति के गाती डॉट 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 डॉट। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, यही है चिरंतन सत्य, यही है कविता का उद्देश्य। और इसको आप टोटल अंडरलाइन कर ले, सृष्टि के नवगान से प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर, कविता का उद्देश्य समाहित हो गया। और इस प्रकार से उद्देश्य और कविता की पाठ्य सामग्री ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। शीर्षक और उसके प्रासंगिकता ये दोनों हो गए क्वेश्चन नंबर 4, और रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आज इसकी पूर्णाहुति कर दी। इसके बाद हम चले जा रहे हैं पेज नंबर शायद है 36 से 39, 36 to 38, जहां तक दिमाग अगर बूढ़े नहीं हुई है तो। जी हाँ, दिमाग ठीक ठाक है, शरीर भले ही बूढ़ा हो रहा हो। कैलाश गौतम दो तीन चीजों को देख लेंगे सिर्फ, परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान और मृत्यु के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम को यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। ये दो पंक्तियां आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से आपके एमसीक्यू और
ऐसे की वगैरह पूछे जा सकते। नौरंगिया चरित्र प्रधान कविता है, चरित्र को उद्घाटित किया गया है और चरित्र के माध्यम से बता दिया गया है कि भारतीय महिलाएं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सीता, सावित्री, गांधी, मैत्री, राधा, रुक्मिणी, जितने भी नाम हमारे जुबान से हलक से निकल आ रहे हैं सभी हजारों पर भारी। इसी कारण तो राष्ट्रकवि गुप्त जी ने यहां तक कह दिया था कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। कैलाश गौतम ने इसी सत्य को कविता में इस तरह से पकड़ा है कि हमको यह कविता उनकी कविता नहीं लगती, उनको लगता है कि यह तो जीवन का चिरंतन सत्य गौतम जी ने बता दिया है। भारतीय स्त्रियां क्या होती हैं, भारतीय स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाए, प्रसाद जी के एक पंक्ति को भी दिखाना चाहूंगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, लिख ले, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करे जीवन के सुंदर समतल में। अब जब ये बात हो गई ना, तब तो फिर परिचय भी उसके समक्ष छोटा हो जाता है। डायरेक्ट दो परिचय देने के बाद आउट ऑफ सिलेबस, एक प्रसाद जी का दिया, दूसरा राष्ट्रकवि मैथिली सर्ण गुप्त का दिया, सीधे निकल करके कैलाश गौतम के परिचय पर देखिए। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, मरत निखट्टू जनखा योइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह साल से जीती, समसम खाती समसम पीती। वाह, गांव गले की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। अंडरलाइन कर ले, वाह बहुत सुंदर। नौरंगिया विदेश की नहीं है, नौरंगिया तो माँ गंगा के पार की है, भारत की मिट्टी की है। कशी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पर डोले, सौ सौ पानी रंग धुले है, कहने को कुछ होठ खुले हैं, अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नियत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे, बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन, आंखों में जीवन के सपने, लास्ट स्टेज ऑफ द पॉइंट। धरती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती, कब तक आखिर कितना जूझे, और बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा, पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। ये हो गया कविता का कलेवर, किसके द्वारा, कैलाश गौतम के द्वारा। थोड़े से मीनिंग को बता दूं मैं आपके, छक्का पंजा अंडरलाइन कर ले, पहली मीनिंग है छक्का पंजा, फेर बदल उल्टा सीधा करना, बूते सेकंड, बूते औकात, निखट्टू काम नहीं करने वाला आलसी आदमी, जनखा जोइला स्त्री स्वभाव का, स्त्रियों के करैक्टर को लिए हुए,
भीतर ही भीतर रहने वाला, बाहर नहीं निकलने वाला, लोगों से मिलने मिसने वाला नहीं, लोगों में जाने और लोगों के समक्ष बैठने वाला नहीं। उसके बाद है सेकंड स्टेंजा, सुर्खी सी अखबार की सुर्खी, मुख्य खबर, मुख्य खबर, कशी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी। सौंदर्य का चित्र है पूरा, देह कसा हुआ है, तंदुरुस्त है, जवान है, और शीशे में जैसे पानी को उतार दिया गया, शीशा तो खुद ही साफ है और उसमें पानी को उतार दिया गया, पानी और भी सुंदर साफ, दोनों मिलकर के सौंदर्य जैसे धुल-धुल गए दूध के तरह। सिहरन पहने हुए अमोले, अमोले जो है छोटे आमों को, आम के टिकोनों को कहा जाता है, काला भौरा मुंह पर डोले, केस का वर्णन, केस जो झूल रहा है, कवि ने कह दिया कि जैसे लग रहा है कि काला भौरा उसके मुंह पर डोल रहा है, सौ सौ पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले, बिल्कुल सौंदर्य से पूर्ण है, कुछ कहना चाहती है, अद्भुत है ईश्वर की रचना, चुनौती चैलेंज, नियत जैसी नियत, नियत का अर्थ है ईमानदारी, लेख ठेकेदार, ठेका लेकर के मजदूरों से काम कराने वाला, जांगर पीटना, अधिक से अधिक कार्य करना, काम घसीटना, काम को करते रहना, काम को खोज करके निकालते रहना और उसमें दिन भर लगे रहना, इसको कहते काम घसीटना। विविध भारती रेडियो स्टेशन है, सबको पता है, एंड लास्ट धरती भीत, भीत कहते हैं बेस को, आधार को, घर पे जो बुनियाद बनाई जाती है वो ढह रही है, गिर रही है, ढहती भीत, पुरानी छाजन, उसके छाजन पुराने, फसल पक गए, महाजन रखे, गिरवी बंधक, गिरवी मीन्स बंधक, मन मसोचना, पश्चाताप करके रह जाना, मन में टूट करके रह जाना, अफसोस कर, उसके बाद मंगनी, मांगी हुई, बस नौरंगिया गंगा पार किए के सारे मीनिंग समाप्त। अब देखिए कवि के अर्थ को, नौरंगिया अर्थात भारतीय स्त्री देवी देवता को नहीं मानती, पहले ही उन्होंने कह दिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय स्त्री जो है नास्तिक होती है, कभी नहीं, इसका अर्थ ये अवश्य है कि भारतीय स्त्री बहुत बड़ी आस्तिक होती है और उसका पति ही उसका देवता होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि देवी देवता नहीं मानती। इसका उल्टा अर्थ मत निकाल लीजिएगा, जिंदगी में कभी छक्का पंजा उल्टा सीधा वन का फोर, फोर का वन करना नहीं जानती है, नौरंगिया हो या भारत की कोई भी स्त्री, हाँ अपने बूते पर अपनी शक्ति पर कोई भी कार्य करने को वह तैयार रहती है, और सामने वाला प्रतिद्वंदी जितना भी बड़ा हो उससे लोहा लेने के लिए तो भैया हर समय हो तैयार, ऑलवेज। मर्द क्या है उसका, हस्बैंड क्या है, जरा वो भी देख ले, निखट्टू है, खटने वाला नहीं, आलसी है, स्त्रियों के स्वभाव का है, स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है, औरतों का स्वभाव है पुरुषों पर आश्रित रहना, यहां उल्टा हो गया है, नौरंगिया पर आश्रित हो गया उसका पति, वो बेचारी कमा के खा रही है, वो खा रहा है आराम से, दिन भर दौड़ भाग उसको करना चाहिए, वो दौड़ भाग कर रही है, नौरंगिया लाल नहीं हो रहा, ऐसा कोयला हो गया है जिसके जिंदगी की ऊर्जा ही खत्म हो गई, जिसके जिंदगी की ऊष्मा ही खत्म हो गई, वो तो लाल ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे भी
हस्बैंड को, ऐसे भी पति को वो अपने साल से लेकर के उसके संग खाती है, उसके संग पीती है, उसके संग जीती है और बड़े साल से रहती है। तो स्वामी जी ने इसलिए तो कहा था कि 14 भुवन एक पति होई। पति जो है हमारे यहां हजार नहीं हुआ करते, 14 भुवनों में भगवान किसी स्त्री को एक ही पति देते हैं। भैया ये भारत है, यहाँ हजारों की संभावना क्या दो भी नहीं हुआ करते। पति जो था वो किस्मत में मिल गया, अब जो मिल गया उसके साथ जीना आपके बस की बात है, आप जिए उसके साथ, आप रहिए उसके साथ। गांव गली की चर्चा में आ गई, भैया ऐसी औरत है ये नौरंगिया की, इतने आपत्तियों और विपत्तियों के बाद भी मर्द के साथ अपने सुखी से संपन्नता से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जी रही है और जहां जाओ यही बातें चल रही है। सो उसको कभी ने लिख दिया कि सुर्खी सी अखबार की, जैसे अखबारों के मूल न्यूज हुआ करते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। जिस गली घर में चले जाओ नौरंगिया की ही चर्चा, और इस चर्चा को देख करके कवि ने कह दिया कि क्यों ना हो, क्योंकि नौरंगिया तो विदेश की नहीं है, वो तो गंगा के पार की है। उसके सौंदर्य का वर्णन कवि करते हुए कह रहा है कि वह पूरी युवावस्था में है और उसके सौंदर्य में शीशे और सांचे में बसा हुआ जल भी मात खा जा रहा है और उसके काले घुंघराले बाल उसके मुंह पर हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे काले भौंरे उसके मुंह पर चतुर्थी डोल रहे हैं। उसका रंग 100-100 पानी से धुला हुआ बिल्कुल स्वच्छ है, कहने को कुछ होठ खुले हैं, कुछ कहना चाहती है लेकिन रहिमन निजमन की व्यथा मन ही राखो को मत कहना, तो चुप रह जाती है कि ये तो कहने की बात नहीं है। ईश्वर की रचना है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे समक्ष, बचना होता है, जीवन को बचाना, जीवन को एक लक्ष्य के साथ लेकर के आगे बढ़ना, जीवन के चुनौती को झेलते हुए ईश्वर की मर्जी मान करके उसको अपने ऊपर लेते हुए आगे बढ़ना जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा होता है। और यहां लूटने वाले तो हजार है, जैसी लेखपाल की नियत है वैसे ही ठेकेदार की है, दोनों उसे लूटना चाहते हैं, उसे खसोटना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं। यही है नियत, यही है ईमानदारी। समाज को दिखाया गया है, समाज तो बहुमुखी है, इसने किसी को नहीं छोड़ा है, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो नौरंगिया किस खेत की बोली, किसी को नहीं छोड़ेगा ये नौरंगिया। फिर भी कभी कहता है कि नौरंगिया को तो ये समाज सकेगा नहीं उससे, क्योंकि ये तो नौरंगिया जो है यहां वहां की नहीं है, तो भारत की है, गंगा के पार की। थर्ड स्टेंजा, जब देखो वह जांगर पीट रही, अधिक से अधिक परिश्रम करना, कोल्हू के बैल के तरह हार नहीं मानती और कान को घसीटते रहे, चलो होगा कैसे करेंगे, वाह सीखे कोई इससे कार्य करना। जब तक जागे तब तक भागे, जब तक जाग रही है तब तक भाग रही है, काम के आगे भाग रही है, काम के पीछे भाग रही है, काम से हिम्मत नहीं हारती। साहसी तो इतनी है कि बिच्छू हो, गोजर हो, सांप हो, सबको वो क्या कर रही है, मार देती है। प्रतीक है कि सामने वाला जितना भी खूंखार हो उस पर वो भारी पड़ेगी, और अपने गमों को भुलाने के लिए, अपने दुखों को बिसारने के लिए यदा कदा विविध भारती पर संगीत सुनना नहीं भूलती। संगीत तो जीवन का राग है ना, संगीत कैसे होगी, दुख और सुख भी तो दोनों संगीत है ना, इसलिए विविध भारती सुनना उसका स्वाभाविक है, बिल्कुल है लाठी सीसी, बिल्कुल सीधी है, स्वच्छ है, सरल है, ग्रामीण महिला है, ग्रामीण महिला की यथा कथा ही इस कविता के अंदर वर्णित है।
बिल्कुल सीधी सादी है, चेहरा बता देता है लोग कैसे, बिल्कुल भोला चेहरा है, मीठी बोली है जिसके आगे सब कुछ मस्तक हो जाए, आंखों में जिंदगी के तमाम सपनों को सजाए हुए, जिंदगी के हर दिन की तैयारी बड़े हर्षोल्लास के साथ वह त्योहार के रूप में कर रहे। कवि मुग्ध हो जाता है और फिर कहता है कि क्यों ना हो, नौरंगिया तो गंगा पार की है, नौरंगिया तो हमारे देश भारत की है, भारत की मिट्टी की अत्यंत महिमा है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। घर का जरा मॉडर्न देख ले, लास्ट स्टेडियम में उसके घर की भीड़ ठहर रही है, घर पता नहीं कब गिर जाए, छायन और काल चिकाल पुराने पड़ जाए, खेती करती है फसल पक जाते हैं और महाजन पकने के पहले ही आकर के खड़ा हो जाता है, तो कर्जा दो उधार ले आता है। जिंदगी में इतना दुख इतना गम, अपने गहने शादी वाले उसको भी उसने जीवन चलाने के लिए परिवार चलाने के लिए गिरवी रख दिए, बंधक रख दिए, जिसको आज तक वह छुड़ा नहीं पाती, बेचारी सधवा होकर के विधवा का रूप, लेकिन अफसोस उसके दिल में नहीं है। हाँ, मन तो महसूसेगा ही, हृदय है भाई, हर आदमी चाहता है, दुख तो उसको होगा ही, उसको भी दुख हो रहा है, हमारे जीवन में यही था, मन महसूस करके रह जाती है। कभी पूछता है, शायद नौरंगिया के शब्दों में ही पूछ रहा हो कि कब तक आखिर मैं अपनी जिंदगी से इस तरह से जूझती रहूंगी, किससे पूछा जाए, कौन बताएगा ये। कवि कहता है, इन दिनों में, इन गुजरे हुए चंद वर्षों में जाने क्या क्या नहीं टूटा और फूटा, लेकिन उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, उसका खुश रहना कभी नहीं छूटा, कभी नहीं छूटा। पैरों में मंगनी की चप्पल पहने हुआ, इतनी गरीब है, एक चप्पल भी उसका मांगा हुआ है और वह मांग करके चप्पल पहने हुआ, साड़ी जो पहनी हुई है, वस्त्र गरीबी की रेखा को पार कर गई, उसकी पहनी हुई साड़ी भी तो वह अपने से नहीं लाई है, नहीं है लेकिन उधार में खरीदी हुई है। अब वो उधार पता नहीं बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, ईश्वर ही जाने। फिर भी उसके जीवट को देख करके कवि बाग बाग हो जाता है और कहता है, बाहर मेरे देश की मिट्टी और बाहर मेरे देश की महिला और बाहर मेरे देश की माँ और बहने, हो क्यों ना, नौरंगिया गंगा पार की है। एक प्रश्न कवि ने बार बार नौरंगिया गंगा पार की है, गंगा पार की है क्यों कहा है, उत्तर साफ है, विशेष बल देने के लिए कहा है, वो बताना चाहता है भारतीय महिमा, भारतीय स्त्रियों की महिमा और भारतीय मिट्टी की महानता को, कि हमारे यहां एक मर्द एक सॉरी एक औरत हजारों मर्दों पर भारी है, इसलिए बार बार कह रहा है कि नौरंगिया गंगा पार की। उद्देश्य के तहत यही बताऊंगा कि नौरंगिया भारतीय स्त्री की व्यथा कथा को संजोए हुए एक ऐसी कविता है जो कविता तो कम, जिंदगी के जद्दोजहद की, जिंदगी के दुखों को, जिंदगी के यथार्थ को साफ उकेरने वाली ऐसी प्रतिबिंब है जिसे देख करके आज भी हम सिहर उठते हैं, आज भी बहुतेरे ग्रामों में बहुतेरे शहरों में ऐसी नौरंगिया जरूर मिल जाएंगी जो हजारों कष्टों विपत्तियों और बाधाओं को झेलते हुए भी बड़े शान और शौकत का जीवन जीवे। आज भी कवि
उन्हीं महान स्त्रियों की महानता को दिखाते हुए, उनका नमन करते हुए यह चरित्र प्रधान कविता लिख करके हमारे लिए, हमारे भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय माताओं और बहनों के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ जाना चाहता है कि आप अपने परिवार को सृष्टि का अमूल्य धरोहर समझें। बहके हुए लोगों को साथ साथ आगाह करते हुए कहता है, मत बहिए पश्चिमी सभ्यता के झोंकों में, यह सभ्यता आपको कहीं कुछ नहीं देने वाली है, इस सभ्यता से आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, भूल जाइए इसको, लौट आइए अपने घरों में, अपने घरों में झांक करके ही देखिए, वही आपको मिलेगा स्वर्ग, वही आपको मिलेगा जन्नत, वही आपको मिलेगा खुशी, शांति, सौहार्द, और सदैव मरते दम तक यही कहिए कि मेरा पति मेरा देवता है। अब प्रश्न की बाबत बात करें तो देवी देवता नहीं मानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करते खेती, नंबर वन रेफरेंस। नंबर टू, अद्भुत है ईश्वर की रचना, नवरंगिया गंगा पार की है, नंबर टू। नंबर थ्री, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नवरंगिया गंगा पार की है, थ्री। एंड नंबर फोर में लास्ट पैराग्राफ फुल कहूंगा, क्योंकि ये ग्रामीण भारतीय परिदृश्य को पूरा उकेर करके सामने रख देता है, इसलिए मैं इसको पूरा ही कहना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर रेफरेंस एंड लास्ट फॉर्मूला की प्रस्तुत कविता का सारांश लिखते हुए उसके उद्देश्य से कवि, उसके उद्देश्य कहें या कवि के उद्देश्य कहें, दोनों एक ही बात है, कवि के उद्देश्य से रूबरू कराइए या परिचित कराइए, अथवा कविता की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में अपने शब्दों में लिखिए। आशा है आपके पल्ले सब कुछ पड़ा होगा, कोशिश करें लिख करके रखें, विद्यालय खोलने के बाद मैं उसका अनुशीलन अवश्य करूंगा, और कविता के ऊपर और अंत में दोनों आज का डेट बैठेगा, आज है 7 मई 20, स्टार्ट किया और 7 मई 20 को ही मैंने इसको समाप्त कर दिया। अब दूसरी कविता के तहत बिना समय खोए हुए हम फिर बढ़ना चाह रहे हैं, चाहेंगे भी, आप भी पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य साथ साथ बन गया है कि रिवीजन तक हमको जो है आगे बढ़ जाना है। पता नहीं, ढलती उम्र में तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है, कमजोरी याददाश्त को लेकर के ही सही, लगता तो है कि हमने आत्मत्राण नहीं पढ़ाया था, चलिए आत्मत्राण नहीं पढ़ाया था, लग रहा है अगर ऐसा मेरे को तो हम आत्मत्राण को भी आज खत्म कर दें, कर देने से रैदास का पद हो जाएगा, आत्मत्राण हो जाएगा, नील का निर्माण फिर हो गया है, नौरंगिया का क्वेश्चन हो गया है, और बचेगा एक और पोएम, वो आपका कर दिया जाएगा दूसरे समय में, आज तो देख ले आत्मत्राण, एक शब्द में कहेंगे तो आत्मत्राण का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, त्राण में छुटकारा, आत्म मतलब सेल्फ का, आत्मा का। दो चार चीजें बताऊंगा, रविंद्रनाथ बंगाल के लिए, बंगाल की मिट्टी के लिए, वहां से बात करने के लिए रविंद्रनाथ के विषय में हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपका ध्यान पेज नंबर 9 पर आगाह करना चाहूंगा कि रविंद्रनाथ की रचनाओं में क्या, जन्म और मृत्यु ये सब मैं छोड़ दे रहा हूं, सबको पता है, उनकी रचनाओं में है लोक संस्कृति, अंडरलाइन कर लें, और प्रकृति से इनका गहरा लगाव भी अंडरलाइन कर लें, 1000 कविताएं, 2000 गीत को अंडरलाइन कर लें, शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना, इसको भी अंडरलाइन कर लें आप, और फिर साथ साथ में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला, और उसके बाद में है अन्य प्रमुख कृतियां, नैवेद्य है, पूर्वी है, बलाका है, क्षणिक है, चित्र है,
और शांति गीत है, काबली वाला सैकड़ों अन्य कहानियां हैं, उपन्यास में घोड़ा घोड़े बाईरे और रविंद्रनाथ के निबंध ये सभी। और इस पाठ के अंदर क्या है वो भी थोड़ा सा हमारे संकलनकर्ताओं ने लिख दिया है, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ ले तो और अच्छा होगा। कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की अकाल सामर्थ्य है। यस है, बिल्कुल है। बाबा जी ने भी कहा, राय ते पर्वत करे पर्वत राय मां। भगवान कुछ भी कर सकते, उनके लिए असंभव भी संभव है, कुछ भी। कहने वाले थे तो यहां तक भी कह दिया है कि गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ने लगता है। ईश्वर की ऐसी असीम कृपा होती है। फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते हैं कि उनके लिए ईश्वर ही सब कुछ कर दे। कभी कामना करता है कि किसी भी आपद या विपत्ति में, किसी भी द्वंद में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। और यही है कविता का नवीनीकरण। आत्मत्राण तो सभी चाहते हैं लेकिन दूसरे ढंग से चाहे, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मैं, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आज तक यही होता है लेकिन यहां कवि की दृष्टि बदली हुई है। कवि कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में हे प्रभु तुम हमको ऐसी शक्ति दो कि हम उभरे, हम उससे निकले, हम अपने जीवन पर जिंदगी के हर संघर्ष को जूझते हुए, जिंदगी के हर जंग को जीतते हुए आगे बढ़ सके। तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग सुझाओ प्रभु, हमें ऐसी हिम्मत दो, ऐसी जीवन दो कि संघर्ष दुख विपत्ति फुटबॉल की तरह दूर उठाकर फेंक सके और आपको बात बेबात परेशान न करें। आपके पास दुनिया बनाने वाले असंख्य काम है, आपको बोझिल नहीं करना चाहता। इसलिए वह अपने प्रभु से क्या चाहता है देखेंगे कविता के उद्देश्य में। रविंद्रनाथ की प्रस्तुत कविता जो है बंगला भाषा में मूल रूप से है और इसका अनुवाद किया है हमारे श्रद्धेय हजारी प्रसाद द्विवेदी, मूर्धन्य आलोचक, मूर्धन्य हजारी प्रसाद, हजारों में एक नाम ही बता रहा है उन्होंने किया है। तो अनुवाद के बारे में कहना तो चांद और सूरज की तरफ उंगली उठाना होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा उनके अनुवाद के बारे में। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान रहा है, उसके हम ऋणी हैं। आज उनके समक्ष सदियों नतमस्तक रहेंगे। अनुवाद ही बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक है और सक्षम है। आप इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि एक अनुवाद हमको ग्रामर में 5 नंबर का है, बोर्ड 4 नंबर का पूछता है, हम तो 5 का कर दिए उसको। उसके लिए हमको अनुवाद की आत्मा को कैसे बरकरार रखा जाए ये बड़ा जरूरी हो जाता है। अब देखिए शीर्षक तो बताई दिया हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुवाद थोड़ा देख लीजिए। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। अंडरलाइन कर ले इसको, कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होए हे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पुरुष हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानो क्षय, मेरा त्राण करो मेरा छुटकारा करो अनुदिन तुम, ये मेरी प्रार्थना नहीं। अंडरलाइन करिए इसको, कवि की क्या प्रार्थना नहीं है, बस इतना होए करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय, इसको भी अंडरलाइन करिए।
हे करुणा में मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे इतना अपार बल दे दे कि मैं उस बल से अपने जीवन संग्राम से उबर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना मेरी अनुनय अनुनय मिस विनय बहन कर सकूं, इसको मैं निर्भय नक्षिर होकर सुख के दिन में तव मुख, तव मुख मतलब तुम्हारा चेहरा, तुमको नहीं बोलो हे प्रभु। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीरदास बहुत अच्छा कहा था, उसी बात को हमारे ठाकुर भी कह रहे हैं, और ठाकुर के शब्दों में हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बात है कहने के लिए, तो अनुवाद कर रहे हैं, उनका तो अपना कुछ भी नहीं है, जो ठाकुर ने कहा है उसी को वो कहे। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मुख तुम्हारा चेहरा, और मैं कहूंगा पांडे कहेगा कि तुम्हारा चरण, मैं सुख में हूं दुख में हूं, दिन में हूं रात में हूं, जागता हूँ सोता हूँ पढ़ा रहा हूँ उस समय भी, हे प्रभु मैं तुमको नहीं भूलूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अपने शब्दार्थ के तहत मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो प्राय प्राय सब कुछ कर लेंगे, इसलिए मैं शब्दार्थ पर विशेष बल न देकर के सीधा चला जा रहा हूँ कविता के अर्थ में। हे भगवान मुझे विपत्ति से बचा लो, यह जिंदगी में मेरी प्रार्थना कभी नहीं है। वाह वेरी गुड, याद रखना इसको और अंडरलाइन कर लो, मेरी विपत्ति से बचाने की ईश्वर से प्रार्थना कभी है ही नहीं। तो उनको कोसना, उनको धिक्कारना, उनको ये बुरा भला कहना कि तुम्हारे ही कारण ये दुख है, तुम्हारे ही कारण ये वेदना है, आज से भूल जाए उनकी इच्छा। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, बार बार बता रहा हूं, वही कभी भी कह रहा है कि यह मेरी प्रार्थना नहीं है, केवल मेरे लिए इतना हो जाए करुणा में कि मैं कभी भी विपत्ति में भय नहीं प्राप्त करूं, भय नहीं मानूं, मैं विपत्ति में अभय बन जाऊं। फर्स्ट रेफरेंस लाइन अंडरलाइन कर लो, कभी न विपदा में पाऊं भय मेरे दुख और ताप से। दुख पड़ता है व्यक्ति पर तो एक आंच पड़ता है, इतना घोर आंच पड़ता है कि व्यक्ति को इस कदर से वो जलाने लगता है कि व्यक्ति का हृदय मोम बन के आंखों से आंसुओं के रूप में गिरने लगता है। उसी को कवि ने कहा है कि दुख ताप से, दुख और उसके ताप से व्यथित चित्त को तुम सांत्वना न दो न सही। हमें सांत्वना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हे करुणा में, हे करुणा करने वाले, तुम मेरे ऊपर इतना करुणा अवश्य कर देना कि मैं दुख को सदा जीत सकूं, जय कर सकूं। मैं दुख के आगे नतमस्तक नहीं हूं, मैं दुख के आगे घुटने नहीं टेक सकूं। कोई जिंदगी में मेरा सहायक मिले न मिले मुझ पर कोई परवाह नहीं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन अकेला रहने पर भी मेरा बल और पौरुष कभी डगमगाए नहीं। इसी कारण तो उन्होंने कहा था, अकेला चलो अकेला चलो अकेला चलो रे, यदि तुर डाकू ने क्यों नाशे तबे अकेला चलो रे। कभी जो कह रहा है उसको करके भी दिखाता है, याद रखना। इसलिए तो कहा गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो तुम समझ ही पाओगे, दुनिया में ऐसा तो कोई कोना हुआ ही नहीं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाए। अब बेटे है, मैं बोलूंगा है, हृदय में, हृदय में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अगर जाता भी है तो वो डायरेक्ट बॉडी से होके जितना तक हो सकता है बस डायरेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कभी उसकी लेखनी में तो ऐसी शक्ति है कि वो हिला करके रख देगा तुम्हारे हृदय को और तुम बाध्य हो जाओ उसको। इसलिए
सूर्य तो उष्मा का केंद्र और स्रोत ही है, सूर्य तो देवता ही है, सूर्य से भी प्रखर मेरे देवता है कवि देवता। कवियों को नमन कीजिए, ऐसे कवि जो हमारी जिंदगी को पल भर में बना देते हैं। फर्स्ट स्टेंजर समाप्त। सेकंड स्टेंजर, जिंदगी में अगर जगत के अंदर जिंदगी भर हानि उठानी पड़े, लाभ मेरे नसीब में धूर्तता, वंचना भी धूर्तता, छल छलावा देख रहे हैं, मेरी मरीचिका देख रहे, मिग दौड़ रहा है, बालू चमक रहा है, देख रहा है वहां पानी है, वहां जा रहा है देख रहा है बालू है, फिर वहां से दूसरी तरफ देख रहा है वहां पानी है, वहां जा रहा है देख रहा है दूसरी तरफ वहां भी बालू है, दौड़ते दौड़ते थका प्यासा अपना दम तोड़ देता। ऐसे मृग मरीचिका को इसी को कवि ने वंचना नाम दिया है। कवि कहता है कि लाभ अगर ना मिले तो हमको लाभ की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक चीज देना भगवान मेरे हृदय में तो भी मन में ना मानू छल, तो भी मैं उसका समापन ना मानू, तो भी मैं अपनी जिंदगी का क्षण ना मानू। छल मतलब होता है विनष्ट करना, बर्बादी, बटिया मेल कर देना, बर्बाद कर देना। अच्छाई का होता है अपोजिट अच्छय, अच्छय तृतीया, अच्छय। तो भगवान को कह रहे कि तुम हमको अच्छा बना देना, कि मैं कभी अपने जिंदगी में हार तो मानू ही नहीं। हार शब्द क्या होता है, मैं भूल गया, मेरा त्राण करो अनुदिन, दिन रात तुमसे कभी यह प्रार्थना नहीं करूंगा कि हे प्रभु मुझे अपने संकटों से छुटकारा दिला दो, कभी मैं ऐसा नहीं बोली। हे एक चीज मैं तुमसे अवश्य बोलूंगा कि हे भगवान मेरे अंदर ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने दुख रूपी अथाह सागर से स्वयं के बल और पौरुष पर तैर करके पार कर सकूं। इसलिए कह रहे तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार छोटा करके, मुझे दुख का भार बहुत बड़ा होता है भाई, छोटा देखने में लगता है, था होता है, घोर होता है, उठाए नहीं उठता, इसलिए तो विपत्ति में हम अपने मित्रों की पहचान कर पाते हैं। भगवान कहे विपत्ति सबके पास है, लेकिन बड़े थोड़े से समय के लिए आया, ज्यादा दिनों के लिए कभी दुश्मन को भी भगवान विपत्ति ना दे। मित्रों की तो कम से कम पहचान कर लोगे, कौन मेरा अपना है कौन बेगाना है। तरने की मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, मेरी विनती बस इतना रखना। फिर से एक बार देख लेना, मेरा भार अगर, मेरे दुख का भार अगर छोटा करके मुझे जिंदगी में सांत्वना नहीं देना चाहते हो, मत देना प्रभु, मैं तुमसे सांत्वना की भीख भी नहीं मांगूंगा। क्या मांगूंगा, केवल इतना मेरा अनुनय रखना, केवल इतना मेरा विनय रखना कि मैं उसको जीवते जी बहन कर सकूं। किस तरह बहन कर सकूं, निर्भयता के साथ, बिना भय के मैं उसका बहन कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, उसको जीत सकूं, उसको उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। और एक चीज और रखना मेरे विनय में, मेरे अनुनय में, क्या, नत सिर हो करके, सिर झुका करके मैं सुख के दिनों में तुम्हारा ही मुख पहचानता रहूं क्षण क्षण, अर्थात हे प्रभु मैं सुख हो दुख हो हास हो रुदन हो आशा हो निराशा हो जीवन हो मरण हो, हर समय तुम्हारे चरणों का अवलोकन, तुम्हारे चरणों पर मैं मत्था टेक सकूं, तुम पर अपना सर्वस्व निछावर कर सकूं, मैं तुम्हें जीते जी अंत तक न भूल सकूं। लास्ट थ्री लाइंस, दुख रात्रि में, जो दुख की घोर रात्रि जिंदगी में चल रही है उस समय, दुख रात्रि में अगर पूरी सृष्टि भी मेरी वंचना कर दे, मेरी उपेक्षा कर दे, मेरे को उपेक्षित कर दे, मेरे को निराश्रित कर दे, तो भी हे भगवान मेरे मन में
कभी ऐसा भाव ही न पैदा हो, कभी ऐसा विचार ही न आए कि उस दिन भी हे करुणा मैं तुम पर रंच मात्र भी संशय कर सकूं, रंच मात्र भी संदेह कर सकूं। मैं सदा अपने जीव कवि कहना क्या चाहता है वो देखो, कवि कहना यही चाहता है कि मैं दुख हो या सुख हो सबको अपने भाग्य के लेखा समझ करके अपने बल और पौरुष से बिना किसी पर दोषारोपण किए हुए, बिना किसी पर दोष लगाए हुए, बिना किसी पर कोई कीचड़ उछाले हुए अपने कार्य को आगे संपादित कर सकूं। मैं अपने बुद्धि, मैं अपने पौरुष के द्वारा, मैं अपने अथाह शक्ति और जिजीविषा के द्वारा अपने संघर्षों का सामना स्वयं करूं। हे परमपिता, आपने मुझे इतना बड़ा जीवन दिया, उससे भी बढ़कर के बल पौरुष विद्या बुद्धि और साहस दिया, मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों में कभी परेशान न करूं। और अंत तो गत्वा फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि दुख हो या सुख हो, मेरा मत्था, मेरा सिर, मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में हमेशा झुका रहे, तब तो दुख होगा ही नहीं। यही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन बार बार एक ही बार बताऊंगा, मैं जब तक जीवित हूं अपने गुरु से जो कुछ सीखा है, लिटरेचर और कुछ नहीं है, कहा करते थे आज तो वो नहीं है, लेकिन उनकी एक एक पंक्ति मेरे दिमाग में हमेशा गड़ी हुई है। कहा करते थे कि लिटरेचर इज नथिंग, लिटरेचर पढ़ाना तो आसान चीज है यार, क्या नहीं आता है, दो चीज ठीक कर लो लिटरेचर अपने आप ठीक हो जाएगा। कहते थे क्या ठीक कर लो, कहते थे मीनिंग ठीक कर लो, दिमाग में पूरा मीनिंग भरो। जब दिमाग में मीनिंग भरा रहेगा तो सेंटेंस गड़बड़ गड़बड़ करके बोलोगे, अब बोलोगे तो लिखने को कौन रोक सकता है। वही दो चीज मैं तुमको बता रहा हूं, और साथ साथ सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, इसलिए तीन चीजें और जोड़ दिया हूं मैं, और कुल मिला के 5-3 फार्मूला, फॉर्मूलास फॉर ए चैप्टर। हर चैप्टर में 5 प्रश्न आप मेरे फेस से याद कर लें, एक मीनिंग, दूसरा रेफरेंस, तीसरा कविता में क्या कह रहा है, उद्देश्य और प्रासंगिकता। इसके बाद हंसते खेलते हुए जाए ना परीक्षा देने के लिए, जिंदगी के हर जगह को आप कामयाब करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फिर वही बात, मीनिंग अधिक से अधिक दिमाग के अंदर हो तो लिटरेचर अपने से बनाया जा सकता है। दूसरा चैप्टर भी समाप्त, आज का डेट दे देंगे 7 मई 2020। फिर एक 10 मिनट का और समय विद्यालय से लूंगा, ठाकुर मां स्वामी जी 10 मिनट और हमको दें, 10 मिनट लेट शुरू किया हो। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, मनुष्य और सब। वैसे तो कहना नहीं होगा, आज तो सारे मनुष्य ही सर्प दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कहेंगे नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि समाज में सारे बुरे लोग ही नहीं हुआ करते, समाज में अच्छे लोग भी हैं। तो मनुष्य और सर्प, किस तरह से ये कविता जो है प्रासंगिक बन गई है रामधारी सिंह दिनकर के लेखनी से हम देखना चाहेंगे, पेज नंबर 20 और 22। पेज नंबर 20 से पेज नंबर 22 तक आए रामधारी सिंह दिनकर जी, यस मिल गए। एक बार सश्रद्धे इनको नमन करते हैं और कहते हैं कि दिनकर जी की आत्मा जहां कहीं भी हो शांति में रहे, उन्होंने बहुत कुछ उनको दिया है। 30 सितंबर 1908 को जन्म लिख लें, देहावसान कर दे 24 अप्रैल 1974 को पार्थिव शरीर छोड़ा था उन्होंने, और इनके बारे में एक ही चीज बताऊंगा मैं कि सदा याद रखेंगे कि हिंदी के दो
राष्ट्र कवि हुए हैं, एक हैं रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है मैथिली चरण गुप्त, इसको कभी ना भूलें। तीसरा अभी तक हमको पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप हमको अवश्य बता देना, मैं भी थोड़ा सीख लूंगा। एडुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमको सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई लज्जा कभी नहीं आती, हम तो छोटे छोटे बच्चों से भी सीख लेते हैं। इसके बाद आ जाइए दिनकर जी की कविता का मूल स्वर, सौंदर्य प्रेम राष्ट्रवाद प्रगतिशील भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण और क्रांतिकारी भावना है। कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वे प्रगतिवाद प्रयोगवाद और नई कविता से के युगों से होकर के उनकी कविता गुजरी है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। उर्वशी नामक एक काव्य पर हमारे दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र नीलकुसुम रश्मिरथि द्वंद गीत सीपी और संग परशुराम की प्रतीक्षा चक्रवाल हरे को हरिनाम, एक बार फिर से डबल लाइन करवाना चाहूंगा, डबल अंडरलाइन वो करिए आप, रेणुका पर, ओंकार पर, कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथि पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर और हारे को हरे नाम पर। इसलिए मैं कराना चाहूं कि ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं ना जिनके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि ये चाहे तो मुर्दे को भी जिला दे। वैसे इनका उपनाम तो दिनकर ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसी कारण से मैं इन चार पांच या छह जो कुछ भी हो उसको डबल अंडरलाइन करवाया है। आप इसको कृपया हमेशा देखते रहे कि सर ने इसको डबल अंडरलाइन करने के लिए इसलिए कहा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये आपको भूल जाए, अब इतना तो याद रखना संभव नहीं है, तो जो डबल अंडरलाइन करवाया ना उसको तो कम से कम जिंदगी भर याद रखना, और जब भी बोल दोगे ना तो सामने वाला समझेगा कि इसने दिनकर के समग्र साहित्य को ही शायद पढ़ा है। ऐसा हो ना हो कोई बात नहीं, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद है इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति के चार अध्याय इनकी गद्य रचनाएं हैं। उसके बाद है दो लाइन ये भी चलो करा देते हैं, इनकी रचनाओं में क्या क्या है, अतीत के प्रति प्रेम है, पूंजीवाद के प्रति आक्रोश है, विश्व प्रेम की झलक है, दिनकर जी अपने युग के प्रतिनिधि कलाकार। हो गया पेज नंबर 20 समाप्त। अब पेज नंबर 21 पर जो हमारे संकलनकर्ताओं ने, पुस्तक बनाने वालों ने जो कुछ भी यहाँ दिखाया है मनुष्य और सर्प शीर्षक के साथ, ये लगभग 6.5 पंक्तियां दिया गया है, इसको आप अपनी जिंदगी में सदा के लिए दिमाग के मॉनिटर पर लिख लें। एक बार पढ़ देता हूँ क्या क्या है। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा था, सबको मालूम है। एक दिन जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था तो अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने अर्जुन का वध करने में कर्ण को सहायता का प्रस्ताव किया, लेकिन कर्ण तो था बड़ा स्वाभिमानी और सूरमा, कर्ण ने उसको ठुकरा दिया। ठुकराया ही नहीं बल्कि अपने आदर्श चरित्र और आचरण के विरुद्ध ऐसा करके अपने पर कलंक लगाने से वह वंचित हो गया, वह बच गया। कर्ण का यह मानवतावादी दृष्टिकोण कि युद्ध में सर्प भले ही उसे विजय दिला दे परंतु सर्प तो मानवता का शत्रु है, अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय पाने के लिए एक सर्प का सहारा लिया तो आने वाली मानवता को वह अपना कलंकित मुख दिखाएगा। क्या वह अपने उदात्त चरित्र को इतना घिनौना बना लेगा कि लोग उसे उसका नाम लेने से भिदकें, लोग उसका नाम लेने पर धिक्कारें। आज यही विचार हमें
बहुत बड़ा संदेश देता है, जहां मानवता लुंठित है, जहां मानवता कुंठित है, जहां मानवता अंधकार में पड़ी हुई है। कवि की यह कविता रवि की तरह हमें प्रकाश दिखाने में सार्थक है, सक्षम है। और इस कविता के द्वारा कवि ने अमित संदेश छोड़ा है कि युद्ध युद्ध है, प्रतिपक्षी उस समय प्रतिपक्षी है, युद्ध जीतना हारना कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, भगवान ने तो उसी समय बोल दिया था कि कर्म करना तुम्हारे बस की बात है, बस तुम वहीं तक संपर्क रखो, फल की इच्छा तुम मत करना। अगर फल की इच्छा तुम कर रहे हो तो तुमसे बढ़ के और बड़ा मूर्ख दुनिया में फैला है। हाँ, युद्ध करने वाला हर समय सोचता है कि मैं भी यही बनूं, मैं जीतूं, मेरा प्रतिपक्षी कैसे जीतेगा। एन केन प्रकार एन से, आज जो समाज के अंदर कल से, बल से, छल से, दल से, पता नहीं कितने कितने माध्यम आ गए हैं लोगों के पास युद्ध को जीतने के। कभी कहता है इन सारे चीजों को छोड़ दो, हाँ सच्चे सुरमा हो, सच्चे योद्धा हो, सच्चे प्रतिपक्षी हो तो युद्ध करो अपने बूते पर, अपने सामने वाले को अपनी शक्ति से मारो, दूसरे के मदद से नहीं। इसलिए कवि की ये कविता आज के इस अंधकार में युग में किसी गीता से कम नहीं है, जो हमें हमारी मानवता को जलाने में संजीवनी बन के कारगर होकर के उभरी है। कविता के अंदर क्या है, मीनिंग क्या है, प्रारूप क्या है, कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है, उद्देश्य क्या है, प्रासंगिकता क्या है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन दूसरे दिन तब तक के लिए ओम श्री राम कृष्ण देवाय नमो नमः, जय हिंद।